नमस्कार दोस्तों, टुडे इन दिस पार्ट टू ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, दिस इज एपिसोड टू। इन दिस एपिसोड वी विल सी द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑर्डर टू एंड ऑर्डर थ्री, दैट इज ऑफिसेस ऑफ द कोर्ट सेटिंग एंड वेकेशन एंड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। सो फर्स्ट वी विल सी ऑर्डर सेकंड, offices of the court, seating and vacation। एक जनरल इंफॉर्मेशन है दोस्तों, एक जस्ट यूजफुल है। जैसे इसमें रूल वन में बोला है कि कोर्ट का जो कामकाज है, एज पर द ऑर्डर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोर्ट विल बी ओपन फ्रॉम 10 AM टू 5 PM एक्सेप्ट सैटरडे संडेज एंड हॉलीडेज। ये छोड़ के बाकी दिन मंडे टू फ्राइडे हॉलीडे छोड़ के और सैटरडे संडे छोड़ के 10 AM टू 5 PM कोर्ट का कामकाज चलेगा। बट नो वर्क अनलेस ऑफ एन अर्जेंट नेचर शाल बी एडमिटेड आफ्टर 4:30 PM। रजिस्ट्री में आपका काम 4:30 PM के पहले ही एक्सेप्ट होता है, लेकिन अगर अर्जेंट वर्क है तो 4:30 PM के बाद भी वो एक्सेप्ट हो सकता है। रूल टू जो है उसमें है, द ऑफिसेस ऑफ द कोर्ट शाल एक्सेप्ट ड्यूरिंग वेकेशन बी ओपन ऑन सैटरडेज फ्रॉम 10 AM टू 1 PM। सैटरडे को ऑफिसेस 10 AM टू 1 AM रहेंगे। बट नो वर्क अनलेस ऑफ एन अर्जेंट नेचर शाल बी एडमिटेड आफ्टर 12 noon। 12 noon तक ही एक्सेप्ट होगा, उसके बाद अर्जेंट वर्क है तो एक्सेप्ट हो सकता है। सैटरडे को जनरली प्रैक्टिकल तौर पे बताता हूँ आपको, रजिस्ट्री का काम चलता है, जो हियरिंग है वो सैटरडे के ऊपर नहीं चलता है। लेकिन कभी कभी अर्जेंट मैटर है तो हियरिंग के लिए रात को भी कोर्ट खुलते हैं। दैट इज डिपेंड अपॉन द नेचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पिटीशन या पर्टिकुलर रिट पिटीशन लाइक दैट। दैट इज डिपेंड अपॉन सिचुएशन। हमने देखा है रात को 3 बजे भी कोर्ट खुलते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा एक आधा एपिसोड रहेगा कि देर रात कोर्ट खुलवाने का प्रोसीजर क्या है, एग्जैक्टली कैसे, टू होम वी शुड अप्रोच वगैरह, ये सब देखते हैं। दोस्तों अगला जो रूल है वो रूल में है कि भाई वेकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो दो टर्म में सुप्रीम कोर्ट चलता है। पहला टर्म जो है वो एक्सेप्ट ऑन द डेज विच आर हॉलीडे बोथ ऑफ द कोर्ट्स एंड ऑफिसेस ऑफ द कोर्ट, द ऑफिसेस ऑफ कोर्ट शाल बी ओपन ड्यूरिंग समर वेकेशन एंड क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स हॉलीडे ऑफ द कोर्ट एट सच टाइम एज द चीफ जस्टिस मे डायरेक्ट। तो हॉलीडे छोड़ के और हॉलीडेज के बारे में, ये सब के बारे में चीफ जस्टिस की गाइडेंस अनुसार सुप्रीम कोर्ट का कामकाज चलेगा। रूल नंबर 4 में जो है दोस्तों कि दो टर्म में कोर्ट बैठेगी। पहला टर्म जो है वो पहला टर्म समर वेकेशन खत्म होने के बाद से, तो विंटर वेकेशन शुरू होने के पहले ये फर्स्ट टर्म रहता है, क्रिसमस हॉलीडे शुरू होने के पहले और समर वेकेशन होने के बाद, यानी कि सपोज लगभग 1 जुलाई से दिसंबर तक, कुछ 10-12 दिसंबर तक ऐसा पकड़ के चले, ये पहला सेशन है। और फिर दूसरा सेशन जो कोर्ट का रहेगा वो विंटर वेकेशन खत्म होने के बाद, सपोज आप 4-5 जनवरी पकड़ सकते हैं से आपका ये होने तक, समर वेकेशन लगने तक का ये जो पीरियड है, ये सेकंड टर्म होगा, सेकंड टर्म सिस्टम होगा। दूसरा जो उसमें दिया है रूल 4 में, सेकंड, द पीरियड ऑफ समर वेकेशन शाल नॉट एक्सीड 7 वीक्स। तो 7 वीक का, 7 हफ्ते का समर वेकेशन सुप्रीम कोर्ट को रहेगा, उससे आगे नहीं रहेगा। अगर डेज में है तो रूल 3 में दिया है जो एक्सीड्स, इट शुड नॉट एक्सीड 103 डेज एक्सक्लूडिंग संडेज नॉट फॉलिंग इन द वैकेशन एंड ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो ये सब छोड़ के 103 जो दिन है ये समर वेकेशन हो सकता है। रूल 5 है, द कोर्ट शाल नॉट ऑर्डिनरली सिट ऑन सैटरडेज nor on any other day notified by court holiday in the official gazette। Rule 6 जो है
चीफ जस्टिस मे अपॉइंट वन और मोर जजेस टू हियर ड्यूरिंग समर वेकेशन. समर वेकेशन का अभी हमने देखा कि समर वेकेशन का सर्कुलर आ गया है, उसमें दो ऑफिसर को अपॉइंट किया है और ये तो रजिस्ट्री के लिए रहते हैं और जजेस भी ऐसा रोटेशन से वो अपॉइंट करते हैं क्योंकि रेगुलर जुडिशरी का 24 आवर सर्विस रहता है, कंटिन्यू सर्विस रहता है, तो छुट्टी में भी जुडिशरी का सर्विस अर्जेंट मैटर के लिए चालू रहता है. इसलिए समर वेकेशन के दौरान भी जो बेल मैटर, अर्जेंट मैटर, अर्जेंट मैटर कौन से चलते हैं उसका सेपरेट मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं. लेकिन जो मैटर किसी की पर्सनल लिबर्टी को हर्ट पहुंचा सकते हैं या किसी की प्रॉपर्टी को हर्ट पहुंचा सकते हैं और इसका बंदोबस्त अगर तुरंत नहीं होता है तो फिर बहुत बड़ा संकट हो सकता है, ऐसे मैटर अर्जेंट मैटर में आता है. इसमें एंटिसिपेटरी बेल है, बेल मैटर्स हैं, इंजंक्शन ऑर्डर्स वगैरह रहते हैं, मनाई हुकुम वगैरह, स्टे ऑर्डर्स वगैरह रहते हैं, तो ये टाइप के ऑर्डर अर्जेंट मैटर में आते हैं. तो अर्जेंट मैटर में कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना, दैट इज द डिस्क्रिशन पावर ऑफ द जजेस और रजिस्ट्री रहता है. तो ये छह रूल्स जो है ये ऑर्डर टू में थे. अभी हम दोस्तों ऑर्डर थ्री की तरफ जाते हैं. ऑर्डर थ्री में ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, ये थोड़ा टेक्निकल विषय है लेकिन एक मालूमात के लिए जरूरी है दोस्तों. सो पहला जो उसमें रूल है, द सेक्रेटरी जनरल शाल हैव द कस्टडी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट. जो कोर्ट का मेन ऑफिसर है वो सेक्रेटरी जनरल है, उनके पास कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड का जो है वो कस्टडी है. एंड शैल एक्सरसाइज सच अदर फंक्शन एज आर असाइन टू हिम बाय दिस रूल. ये रूल के अनुसार जो उनको असाइन किया गया है वो भी वो काम देखेंगे. रूल टू जो है, द चीफ जस्टिस मे असाइन एंड द सेक्रेटरी जनरल मे विथ अप्रूवल ऑफ चीफ जस्टिस डिलीगेट टू द एडिशनल रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एनी फंक्शन रिक्वायर्ड बाय दिस रूल्स टू बी एक्सरसाइज बाय रजिस्ट्रार. तो दोस्तों चीफ जस्टिस के निर्देश के अनुसार सेक्रेटरी जनरल जो काम डिस्ट्रीब्यूशन आगे का है यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो फिर एडिशनल रजिस्ट्रार को कुछ काम दिए, डिप्यूटी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, इनके फंक्शन फिर ये डिसाइड होते हैं एज पर द गाइडेंस एंड एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो दोस्तों तीसरा जो रूल है, थर्ड रूल ये ऑर्डर थ्री का, इन द एब्सेंस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल द फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल मे बी एक्सरसाइज बाय द रजिस्ट्रार नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस. जब सेक्रेटरी जनरल नहीं रहेंगे तब चीफ जस्टिस जिस रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेंगे उनके सेक्रेटरी जनरल के वर्ष के लिए नॉमिनेट करेंगे, उनको वो काम देख रहा है. रूल फोर जो है, द ऑफिशियल सील टू बी यूज्ड इन द कोर्ट शाल बी सच एज द चीफ जस्टिस मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट एंड शाल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द सेक्रेटरी जनरल. जो सील वगैरह जो कोर्ट के स्टैम्प्स वगैरह जो मेन रहते हैं, जो सर्टिफाइड कॉपी के समय सभी समय वो यूज कर किए जाते हैं, तो ये सब सेक्रेटरी जनरल के कस्टडी में रहेंगे, ऐसा रूल फोर बोलता है. दोस्तों रूल फाइव जो है, सब्जेक्ट टू एनी जनरल एंड स्पेशल डायरेक्शन गिवन बाय द चीफ जस्टिस द सील ऑफ द कोर्ट शाल नॉट बी अटैच्ड टू एनी रीट रूल ऑर्डर समन्स और अदर प्रोसेस सेव अंडर द अथॉरिटी इन राइटिंग ऑफ द सेक्रेटरी जनरल और रजिस्ट्रार नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों कि जो कोर्ट के सील है, ये सील ये जो रीट रूल्स ऑर्डर समन जजमेंट इसके अलावा और किसी भी चीज के ऊपर ये सील यूज नहीं कर सकते. अगर करना है तो उसका रिटन अथॉरिटी पर्टिकुलरली सेक्रेटरी जनरल के पास चाहिए, तब वो सील यूज कर सकते हैं अदर देन दिस वर्क. बाकी ये रूटीन का काम जो है जज की जजमेंट के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर, रूल्स के ऊपर, समन्स के ऊपर वो सील डालना, ये रूटीन का काम है, ये रूटीन का काम चलेगा दोस्तों. रूल सिक्स जो है, द सील ऑफ कोर्ट शाल नॉट बी अटैच्ड टू एनी सर्टिफाइड कॉपी
issued by the court save under the authority in writing of the Secretary General or of the Registrar, Additional Registrar, Deputy Registrar or Assistant Registrar. Rule 7 जो है, Rule 7 में दो पार्ट आते हैं दोस्तों. The Rule 7 में Rule 7 (1) The Registrar shall keep a list of all cases pending before the court. तो कोर्ट के सामने जो केसेस पेंडिंग केसेस की लिस्ट रखने का वगैरह जो प्रोविजन है वो Rule 7 में दिया हुआ है 1 में, और 7(2) में दिया हुआ है From out of the terminal list, the Registrar shall publish on the notice board website of the court at the end of each week a list of cases to be heard in the following week. पहले हफ्ते में ही दूसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते के एंड में दूसरे हफ्ते में क्या क्या कौन से दिन हियरिंग होगा ये सब का लिस्ट रजिस्ट्रार बना लेते हैं. और ये सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे भी मिलता है. आप डायरी वाइज भी देख सकते हैं, केस वाइज भी देख सकते हैं, कॉज लिस्ट भी देख सकते हैं, एओआर के वाइज भी देख सकते हैं, पार्टी वाइज भी देख सकते हैं, जज वाइज भी देख सकते हैं, कोर्ट वाइज भी देख सकते हैं. तो थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद ये अपने आप ही समझ में आ जाता है. तो ये सब काम रजिस्ट्रार करते हैं. इन एडिशन रजिस्ट्रार शाल पब्लिश एडवांस लिस्ट ऑफ मिसेलिनियस मैटर. From the advance list, matter will be taken up in daily list for miscellaneous matter. तो next week के लिए जो एडवांस लिस्ट बनाया फिर उसमें से एक एक दिन के लिए वो मैटर अलग अलग करते हैं. और ये miscellaneous matter बोले तो एडमिशन के वगैरह जो मैटर्स रहते हैं वो अलग अलग कोर्ट के सामने वगैरह वगैरह एज पर द गाइडेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चीफ जस्टिस डायरेक्शन ऑफ चीफ जस्टिस ये होता है, रजिस्ट्री उसको करती है. Subject to the general and special order of Chief Justice, the Registrar shall publish such order list as may be directed, the list matters as may be directed and in a such order as may be directed. ये थोड़ा technical words है तो कभी कभी वो legal word पढ़ते में थोड़ा repetition वगैरह ऐसा लगता है लेकिन वो for better clarity ये सब word रहते हैं दोस्तों. Rule 8 जो है उसमें इन एडिशन टू द पावर कंफर्म बाय अदर रूल्स द रजिस्ट्रार शाल हैव द फॉलोइंग ड्यूटीज एंड पावर्स सब्जेक्ट टू द जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर ऑफ द चीफ जस्टिस. ये कुछ उनके ड्यूटीज हैं और पावर्स भी हैं तो रजिस्ट्रार के वो Rule 8 में दिए हैं. हम Order 3 देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट Rules 2013 का Order 3 देख रहे हैं और Order 3 का Rule 8 में अभी सब 1, 2, 3 ऐसे उनके ये है. टू रिक्वायर्ड एनी प्लेंट पेटिशन ऑफ अपील पेटिशन और अदर प्रोसीडिंग प्रिस्क्राइब टू द कोर्ट टू बी अमेंडेड इन द अकॉर्डिंग विद द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर. कोई प्लेंट में पेटिशन में या जो हम बोलते हैं केसेस में अगर कुछ उनका ड्राफ्ट में कुछ चेंज वगैरह करना है ये करना है तो ये वो जो पावर है चेंज करने का वो पावर कोर्ट के सामने जाने के पहले रजिस्ट्रे के पास रहता है. कोर्ट के सामने जाने के बाद फिर कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही वो चेंज होता है. सेकंड है टू फिक्स द डेट ऑफ हियरिंग ऑफ अपील पेटिशन और अदर प्रोसीडिंग्स एंड इश्यू नोटिसेस देयर. तो हियरिंग डेट फिक्स करना, नोटिसेस इश्यू करना, ये सब अधिकार रजिस्ट्रे के पास है, रजिस्ट्रार के पास है. सब रूल जो 3 है Rule 8 का, टू सेटल द इंडेक्स इन केसेस वेयर द रिकॉर्ड इज प्रिपेयर्ड इन द कोर्ट. 4th है टू मेक एन ऑर्डर फॉर चेंज ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विद द कंसेंट ऑफ द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. अगर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चेंज करना है तो पहले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के कंसेंट लेके चेंज करने का जो सिस्टम है वो रजिस्ट्री के पास है, रजिस्ट्री उसको करती है. आगे बिजनेस इन चेंबर वगैरह हम एक अलग एपिसोड करेंगे ना, उसमें और भी आपको डिटेल में यह मिलेगा दोस्तों. मैंने पहले बताया कि एडवोकेट के ऊपर हमारा आगे अगला एपिसोड जो 3 है उसके ऊपर है. तो कौन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या रहता है, तो फाइलिंग का वगैरह कोर्ट के सामने पूरा फाइलिंग ये वो सब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करते हैं.
और आर्ग्यूइंग काउंसिल जो रहते हैं, जैसे हम आर्ग्यूइंग काउंसिल है, हम आर्गुमेंट वगैरह करते हैं, दलीलें करते हैं, तो ये रहते हैं। तो हमारा जैसे लॉ फर्म है, वो लॉ फर्म में एक दो तीन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हमारे साथ है, तो उनका वो पूरा सब देखते हैं, सब एक करते हैं, साइन करते हैं, सब करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर दैट। और ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम खाली सुप्रीम कोर्ट में अलग से है, बाकी जगह पे नहीं है। इसका कारण ये है कि पूरे भारत का ज्यूरिडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे है। अगर ऐसा मान के चले, जो एडवोकेट एंड रिकॉर्ड सिस्टम आने के पहले कैसा होता था, चेन्नई के लॉयर आ गए हैं तो वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो चेन्नई में चले जाते हैं, कोई बॉम्बे से आते हैं बॉम्बे चले जाते हैं, फिर अब नोटिस इश्यू करना, समन्स इश्यू करना, ये करना वो करना, ये सब करने में वो बहुत तकलीफ होता था। इसलिए फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम आया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, जिसको फाइलिंग करना है, वो एडवोकेट रिकॉर्ड की एक एग्जाम अलग होती है, और वो एग्जाम के बाद ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अपॉइंट होते हैं। उनको 16 किलोमीटर के रेंज में ही रहना पड़ता है ताकि फटाफट सर्व ये हो, ऐसा है। तो इसलिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये फाइलिंग का काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉयर आर्गू नहीं कर सकता है, कोई भी लॉयर जिसका 4 साल से ज्यादा प्रैक्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यू कर सकते हैं। तो आर्ग्यूइंग काउंसिल एओआर भी आर्ग्यूइंग काउंसिल रहते हैं, एओआर भी अच्छे दलीलें करते हैं, वो भी अच्छा आर्गुमेंट्स करते हैं। और जो आर्ग्यूइंग काउंसिल है एओआर है, उसमें से फिर सीनियर लॉयर्स वगैरह का डिजिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट देती है, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो इसका मतलब खाली ये ख्याल में रखिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट में मामला देना है तो उसके लिए एओआर ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी अच्छे लॉयर को सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं उनको कॉन्टेक्ट करके अगर वो काम दे देते हैं तो उनके टच में एओआर रहते हैं, उनके एसोसिएशन में और रहते हैं, वो एओआर के थ्रू वो सब करवा लेते हैं और आर्गुमेंट वो खुद करते हैं और एओआर का सब उनको साथ रहता है, साथ में एओआर कभी कभी रहते हैं। प्रैक्टिकल थोड़ा सा अलग है, थेरी अलग है। तो थोड़ा मैंने आपको थेरी के हिसाब से ये सब चीज़ें बताया और कुछ प्रैक्टिकल भी बताने की कोशिश की आपको। टू डायरेक्ट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ रिकॉर्ड, ये सब रूल 5 है, रूल 8 का। तो कोई भी अमेंडमेंट जो रिकॉर्ड का है इसके बारे में डायरेक्शन देने का भी अधिकार रजिस्ट्री के पास है। टू ग्रैंड लीव टू इंस्पेक्ट एंड सर्च रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का रिकॉर्ड इंस्पेक्ट सर्च करने के भी अधिकार, उसके लीव ग्रैंड करने का अधिकार, परवानगी देने का अधिकार उनके पास है। और छठा जो सिक्स्थ हमने देखा अभी, सेवन, टू अलाउ फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन अ रिटर्न रिक्वेस्ट एनी पीरियड और पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग 28 days इन एग्रीगेट फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन और फॉर डूइंग एनी एक्ट अदर एक्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द प्लेंट अपील पेटिशन अदर प्रोसीडिंग्स इन कॉन्फिडेंटी विद द रूल एंड प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट। तो कोई भी आपको पिटीशन ये जो सबमिशन करना है, यानी कि कुछ पिटीशन फाइल करने के बाद कुछ अगर डिफेक्ट रहते ये रहते हैं तो 28 डेज में नॉर्मली वो कंप्लीट होना चाहिए, 28 डेज में, ऐसा एक प्रोविजन है। लेकिन जब डिफेक्ट क्लियर का जो और भी इसमें दिया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर मैटर फाइल्ड on scrutiny is found to be a defective and diary number has been generated, one copy of petition court fee stamp tendered shall be retained and defect shall be communicated to the petitioner, and if the defect are not removed till 90 days from the date of communication of the defects, the matter shall be listed with office report on default before the जज इन चेंबर फॉर एप्रोप्रिएट ऑर्डर। एकदम शॉर्ट में बताता हूं आपको, डायरी नंबर मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज चलता है ना, तो जब हम केस फाइल करते हैं, एओआर फाइल करते हैं या इन पर्सन कोई फाइल करता है, जनरली एओआर के क्लर्क जाता है, क्लर्क लोग फाइल करते हैं, एओआर को ऑथोराइज क्लर्क रहता है, आगे हम एपिसोड 3 में देखेंगे उसको। तो वो फाइल करता है, फाइल करने के बाद डायरी नंबर मिल जाता है, फिर उसका स्क्रूटिनी होता है, और स्क्रूटिनी में जो डिफेक्ट होता है वो 90 डेज में कवर करने का एक प्रोविजन होता है। आप ऑनलाइन जब देखते हैं तो आपको इसको रेड कलर में ऐसा दिखता है, 90 डेज क्लियर डिफेक्ट इन 90 डेज वगैरह होता है।
तो वो डिफेक्ट जनरली लॉयर लोग जो एक्टिव लॉयर लोग एक दो दिन में ही वो क्लर्क लोग क्लियर कर लेते हैं, क्लर्क टाइपिस्ट और एओआर और अर्गुइंग काउंसिल जिन्होंने वो केस ड्राफ्ट किया है वो सब वो डिफेक्ट क्लियर करवा लेते हैं। दो तीन दिन में हो जाता है डिफेक्ट क्लियर, मैक्स टू मैक्स वन वीक। लेकिन बाय चांस किसी ने 90 डेज में वो डिफेक्ट नहीं क्लियर किए तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, चेंबर जज के सामने वो मैटर जाता है, सिंगल जज के सामने। फिर सिंगल जज उसको रीजन वो सुनेंगे, उनको ठीक लगता है तो उसका परमिशन बढ़ाएंगे, तो उनको अगर ठीक लगता है तो वो परमिशन बढ़ा के दे सकते हैं। तो ये सब जो हमने देखा दोस्तों, ये रूल थ्री के हमने सब रूल्स देखे, आठ टाइप के सब, और आठ में के हमने रजिस्ट्रार के जो अथॉरिटीज पावर्स ड्यूटीज वो सब देखे, वो लगभग हमने सेवन देखे दोस्तों, और ये डिफेक्ट क्लियरिंग का 90 डेज का प्रोसेस वगैरह देखा। तो कभी कभी जो क्लाइंट रहते हैं ना वो ये होता है पैनिक हो जाता है क्योंकि उनको हम डायरी नंबर दे देते हैं, भैया ये आपका केस फाइल हो गया डायरी नंबर, और वो डायरी नंबर देखता है तो उसको डिफेक्ट 90 डेज का दिखता है, वो बोलते हैं सर अभी 90 डेज लगेगा। मैं बोला नहीं भैया ये 90 डेज में क्लियर करना है, एक दो दिन में हो जाएगा, दो तीन दिन के बाद आप देख लो उसमें वहीं, तो आपको वो सब डिफेक्ट का रेड अक्षर का निकल जाता है। अगर वो दो तीन दिन में वो आपका क्लार्क वो वकील आपका उसको क्लियर करता है तो निकल जाएगा, वहां पे पेंडिंग शब्द आएगा। पेंडिंग शब्द आने के बाद फिर वो मैटर आगे लिस्टिंग के लिए जाता है, फिर वो लिस्ट होता है, फिर कौन से तारीख आएगी ऐसा दिखेगा कुछ दिन, फिर जब नजदीक आने के बाद फिर कौन से जज के सामने जा रहे हैं वो जज, जिसके नाम दिखते हैं, फिर कोर्ट का नाम कॉज लिस्ट में दिखता है, ऐसा ये सिस्टम रहता है दोस्तों। बहुत इजी सिस्टम है, खाली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसे जैसा प्रैक्टिस होता है वैसा वैसा ये होता है। तो ऐसा हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के एक एक एपिसोड देख रहे हैं, अलग अलग ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं। चलो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, अगला जो ऑर्डर है और अगला जो एपिसोड है और एपिसोड नंबर 3 वो हम जल्दी की जल्दी आपके सामने लाएंगे। तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद।